बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। किसमें ये आप जानते होंगे। देखिए, मैं बात करता हूँ आज मुद्दे की। इस बुक के बारे में हम बात करेंगे, भूगोल इसका भाग होगा। हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे इसके बारे में हम आज देखेंगे, ठीक है। और इससे संबंधित तमाम वीडियो देखने के लिए आप क्लिक करें लुसेंट वीडियो जीके की प्लेलिस्ट को। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब तक आपको वीडियो के माध्यम से ये बुक पढ़ा रहा हूँ, आप उसके नोट्स बनाते चलें, एक एक बात को अनुसरण करते चलिए, एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनिए, ईमानदारी से पढ़िए, जैसे बोलता हूँ वैसे नोट्स बनाते जाइए। कुछ समय बाद आप खुद पे खुद ये फील करेंगे कि हाँ, आपको जीएस से जो डर लगता था, जो आपके माइंड में इसका बहुत बड़ा हवा था, वो अब कम होने लगा है। और जब ये बुक अच्छे से ख़त्म हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे, वाह मज़ा आ गया, मेरा सिलेक्शन यहाँ हो गया, उस दिन मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। तो इस प्रयास के साथ में आप जुड़े रहिए। जितना प्रयास मैं कर रहा हूँ, उतना प्रयास आप भी करिए। पढ़ते समय 100% विचार केवल पढ़ाई का ही आना चाहिए, ना कि फेसबुक का, व्हाट्सएप का। बहुत से युवाओं के विचार यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, जैसे नीली वाली तेरी, पीली वाली मेरी। तो इस तरह के जो स्टूडेंट होते हैं, तो उनका माइंड एक तरफ स्टेबल नहीं हो पाता स्टडी में, और उनकी तैयारी में उनको बहुत लंबा समय लग जाता है। कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है, कुछ लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होती है। समय काफ़ी कम है, संभल जाओ, क्योंकि जितने साल बाद आपके सिलेक्शन होगा, उतना उतना कट ऑफ बढ़ता जाएगा, कॉम्पिटिशन्स का लेवल इंक्रीज होता जाएगा। समय को पहचानो, समय को जानो और समय का सदुपयोग करो। ये थी छोटी सी बात। अब मैं बढ़ता हूँ फिलहाल आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे एवरेस्ट के बारे में। एवरेस्ट जो पर्वत शिखर है, वो कौन से देश में है? वो है नेपाल में, और उसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, ठीक है। कौन से देश में है और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई आपको याद नहीं रखनी है, आपको केवल याद रखना है जो जो येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, वही आपको अपनी बुक में उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। अगर बुक नहीं है और आप A4 पेज पे अपने नोट्स बना रहे हैं, तो आप वहाँ पे याद रखिएगा, पर्वत शिखर की एक लिस्ट बनाइए और साइड में लिखिए वो कौन से देश में स्थित है। जैसे एवरेस्ट नेपाल में, K2 जो है वो भारत में है। इसकी जो ऊंचाई है वो आपको नोट नहीं करनी है। अगर आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको कौन कौन सी हाइट नोट करनी है वो मैं आपको बताऊँगा, अभी बताऊँगा, कुछ थोड़ा सा वेट करिए बस, ठीक है। कंचनजंगा जो है वो है नेपाल भारत में, और लाहौर से जो पर्वत शिखर है वो है नेपाल में। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नंदा देवी के बारे में, ठीक है। नंदा देवी ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, नंदा देवी इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ये कहाँ पर है? भारत में। तो यहाँ पे आपको नोट करना है कौन सा देश और कौन सा पर्वत शिखर का कौन सा नाम है। और जो स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, उनको इन सभी हाइट के बारे में नोट करना है, बाकी पर्वत जो है इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नंगा पर्वत पर। तो ये है भारत में। अन्नपूर्णा पर्वत जो है शिखर, वो है नेपाल में। मैक्सिमम जो शिखर है वो नेपाल में ही है, ठीक है। अगर आपको किसी भी पर्वत शिखर पर एग्जाम में कन्फ्यूजन होती है, नेपाल दे रखा है, तो आप वहाँ पे राइट आंसर अपना नेपाल टिक करके आना और आगे बढ़ जाना अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं, द्वीपों के नाम। महाद्वीप के बारे में हमने डिस्कस करा था पिछले वीडियो में, अब हम बात कर रहे हैं फिलहाल द्वीप के बारे में। तो ग्रीनलैंड जो द्वीप है, यह है आपका आर्कटिक महासागर में। उसके बाद में मेडागास्कर हिंद महासागर में, सुमात्रा है हिंद महासागर में, और होंशु है जो कहाँ पड़ता है? जापान में। और इसकी अवस्थिति क्या है? इसकी अवस्थिति है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर। उसके बाद हम बात करते हैं जावा द्वीप। जावा द्वीप है हिंद महासागर में, क्यूबा है कैरिबियन सागर में, श्रीलंका है हिंद महासागर में। जो चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। अगर आपको सभी नोट करना है तो एक एक लाइन आप डिट्टो अपने A4 पेज पे नोट कर सकते हैं, बट मेरा मानना यह है कि बुक में और नोट्स में कुछ फ़र्क होना चाहिए। अगर आपको हर एक लाइन काफ़ी अच्छी लगती है, हर एक लाइन को आप नोट कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया डायरेक्ट बुक को परचेज कर लीजिए, वही आपके नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट यही है कि फिलहाल बुक को परचेज करिए मार्केट से और
हाईलाइट करना शुरू कर दो। अगर मार्केट पास में नहीं है तो डिस्क्रिप्शन पे मैं इस बुक का लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से परचेस कर लीजिए, जहां से लगता है सही वहां से करिए, बट पढ़िए। तिब्बत का पठार, यह हिमालय के उत्तर और क्यूनलून पर्वत के दक्षिण में 4000 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर अवस्थित है। फिर हम बात करते हैं बोलीविया का पठार कहाँ पर है। इसको यह बोलीविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। अलास्का के पठार के बारे में बात करते हैं, किसका निर्माण यूकन और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। डक्कन का पठार, यह पठार दक्षिणी भारत में अवस्थित है। बस आपको यह याद रखना है डक्कन का पठार कहाँ पर है, दक्षिणी भारत में स्थित है। उसके बाद में मेडागास्कर का पठार, मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप के मध्यवर्तीय भाग जो है पठारी है, जिसे मेडागास्कर या मालागासी का पठार कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। पहला जो रेगिस्तान है वो है सहारा। इसका क्षेत्रफल कितना है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर। और विस्तार क्षेत्र आपको ज़्यादा नहीं जानना है, लेकिन स्टेट पीसीएस के जो भी एस्पिरेंट है उसको ये सभी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें से भी इम्पोर्टेंट आप याद करना चाहें तो आप ये याद कर सकते हैं, माली, नाइजर, सूडान, और फिर आप याद कर सकते हैं चाड, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद में बात करता हूँ गोबी जो मरुस्थल है वो है मंगोलिया और चीन के बीच में इसका विस्तार है। और थार जो है वो उत्तरी पश्चिम भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कौन सा मरुस्थल, थार मरुस्थल। फिर हम बात करते हैं अटाकामा के बारे में। अटाकामा का जो क्षेत्रफल है वो है इतना, और इसका विस्तार क्षेत्र है उत्तरी चिली। विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्रा का नाम, पहले हम बात करते हैं एशिया में कौन कौन से देश आते हैं उसके बारे में। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। मुद्रा है इसका रुपया। बांग्लादेश राजधानी ढाका और मुद्रा टका। भूटान राजधानी थिम्पू और रुपया न्यूल ट्रम। नेपाल राजधानी काठमांडू, मुद्रा रुपया। पाकिस्तान इस्लामाबाद, रुपया। अफगानिस्तान काबुल, अफगानी। चीन राजधानी बीजिंग, मुद्रा चीन की युआन। ईरान राजधानी तेहरान, मुद्रा रियाल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इराक राजधानी बगदाद, मुद्रा दिनार। इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता, मुद्रा रुपया। फिर हम बात करते हैं जॉर्डन के बारे में। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान और मुद्रा है दिनार। जापान टोक्यो, जापान लव इन टोक्यो, सुना गाना आपने वाला, तो बस वही है और क्या। उसकी मुद्रा का नाम क्या है, येन। ओमान मस्कट, मुद्रा रियाल। सऊदी अरब राजधानी रियाद, मुद्रा रियाल। यमन राजधानी साना, मुद्रा रियाल। उसके बाद में नाइजर राजधानी नियामी, मुद्रा फ्रैंक। दक्षिण अफ्रीका राजधानी प्रिटोरिया, मुद्रा रैंड। युगांडा राजधानी कंपाला, मुद्रा सिलिम। कांगो किशांसा जैरे यहाँ की राजधानी। घाना अकरा कैंडी। गिनी कोनेक्रे राजधानी और मुद्रा फ्रैंक। बस ये आपको हाईलाइट करना है, जितना मैंने आपको बताया सबके सब, ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है। किसी भी एग्जाम में जाने से पहले आपको ये सभी याद रखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वेनेजुएला राजधानी काराकस, बोलीवर। पेरू लीमा, न्यूसोल, मुद्रा। उरुग्वे मोंटेवीडियो, मुद्रा पीसो। देखिए वर्तमान में इन देशों ने यूरो की मुद्रा के रूप में अपनाया। यूरो को मुद्रा के रूप में किस किस ने अपनाया, जिन जिन में स्टार लगा हुआ है, ठीक है। बट आपसे इतना ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आगे हम बात करते हैं विश्व के भू आवेष्टित देश कौन कौन से हैं। तो भू आवेष्टित देश वे देश होते हैं जिसमें समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती, ठीक है, जिसमें किसी भी तरीके से कोई भी कोना समुद्र को टच नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं क्या, भू आवेष्टित देश। टोटल देश कितने हैं इसमें,
वर्ल्ड में 44 देश ऐसे हैं जो भू आवेष्टित देश हैं। 44 याद रखिएगा ये नंबर, ये नंबर कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। विश्व में टोटल भू आवेष्टित देशों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है 44। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है, वो है आपका कजाकिस्तान। कौन सा? कजाकिस्तान। अब हम बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले स्टैचू ऑफ न्यूयॉर्क के बारे में। ये कम इम्पोर्टेंट है लेकिन फिर भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ पर है? यूएसए में। इसे 1867 में प्रसिद्ध मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोलडी ने डिज़ाइन किया था। इस मूर्ति का टाइटल है लिबर्टी एंड लाइटिंग द वर्ल्ड। इस प्रतिमा के ताज में सात नुकीली आकृतियां बनी हुई हैं जो सातों महाद्वीप को प्रतीक करती हैं। सात महाद्वीप, सात मोती। उसके बाद बात करते हैं पेंटागॉन, यूएसए। यह यूएसए का क्या है? रक्षा मंत्रालय है। पेंटागॉन क्या है और कहाँ पर है? यह है यूएसए का रक्षा मंत्रालय। सबसे बड़ा कार्यालय की बिल्डिंग भी माना जाता है इसको। फिर हम बात करते हैं डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड कहाँ पड़ता है? यूएसए में। ये क्वेश्चन शायद आपने अपने रियल एग्जाम के मॉक टेस्ट या फिर दिया होगा आपने, तो वहाँ देखा होगा। यह एक मनोरंजन पार्क है जो कैलिफोर्निया के अनाहिम नामक स्थान पे है। इसका निर्माण किसने कराया था? वॉल्टर इलियास डिज्नी ने। कब कराया था? 1955 में, याद रखिएगा, 1955 में। अब भारत के भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी। भारत का क्षेत्रफल कितना है? आपसे पूछी जाए अगर कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो शायद काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो क्षेत्रफल है 32,87,000, मतलब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सातवां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा स्थान है। सेवंथ एरिया वाइज, सेकेंड पॉपुलेशन वाइज। और टोटल एरिया कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बस आपको इतना याद रखना है। लेकिन स्टेट पीसीएस वालों स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहूँगा, उनको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, उनको ये पूरी लाइन पढ़नी पड़ेगी और ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तो मेंस में ये चीज़ काम आएगा आपको लिखने के लिए। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं। भारत के टोटल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं? क्वेश्चन यहाँ से एक बन सकता है, तो आपको याद रखना है कितना, 17। भूलोगे तो नहीं? नहीं भूलोगे। कौन कौन से? जरूरत नहीं है। भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं? जो सीमा की जो रेखा होते हैं उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। उसके बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं डूरंड रेखा। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं उसको? डूरंड रेखा। फिर हम बात करते हैं आपसे भारत और पाकिस्तान, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो सीमा रेखा है वो है आपकी रेड क्लिफ रेखा। उसके बाद भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट कहाँ पर है? मिर्जापुर में है। कितना घंटे आगे है? 5.5 घंटे ये आगे है। और उसके बाद में कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है और कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 8 राज्यों को। ये नाम आपको याद होना चाहिए। इसको पेंडल मत करिएगा, इस वीडियो को अभी पॉज करिएगा और ये सभी नाम आपको तुरंत अभी याद होने चाहिए। पेपर पे लिखिए, 15-20 बार इसको रिवाइज करिए तुरंत अभी, और इसको फिर ब्लैंक पेज में अपने से लिख कर देखना, फिर देखना कि आपको कितने याद रहे, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग कि भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है और इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। तटरेखा से कितने लगे हुए हैं? 9 राज्य। लेकिन बात करें अन्य देशों से कितने लगे हुए हैं, अभी बताया था आपको मैंने, अन्य देशों से लगे हुए हैं 17 राज्य। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, दोनों में जो डिफरेंस है वो आप याद रखना। आगे हम बात करते हैं, देखिए 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? यह है त्रिपुरा। अब मैं बात करता हूँ आपसे दर्रों के बारे में, ठीक है। दर्रों के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कराकोरम दर्रा किस किस के मध्य में है? जम्मू कश्मीर में है। सिपकेला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बाकी दर्रे इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, ठीक है, चलिए। और थीफू दर्रा भी देख लीजिएगा, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है एपी में। आगे हम बात करते हैं, भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तेल्लियामन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे क्या कहते हैं? आदम का पुल। अब हम बात करते हैं भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है। भारत का भौतिक स्वरूप क्या है? देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है?
2135 2135 मीटर है या उससे अधिक भी हो सकती है, लेकिन 205 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ कितनी हैं, 18% भूभाग पर फैली हुई हैं। 43% भूभाग पर क्या है, विस्तृत मैदान का विस्तार है। फिर हम बात करते हैं भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है, जैसे उत्तर पर्वतीय विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश या फिर समुद्र तटीय मैदान। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत को कितने भागों में डिवाइड करा गया है भौतिक रचना के आधार पर, तो उसका राइट आंसर क्या है, 5 भागों में। आगे हम बात करते हैं, देखिए भूवैज्ञानिक के मतानुसार जहाँ आज हिमालय खड़ा हुआ है वहां पे एक्चुअली था क्या, पहले वहां पे था एक समुद्र, उसका नाम क्या था, उसका नाम था टेथिस। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिमालय की उत्पत्ति हुई है आधुनिक सिद्धांत पर, इसको बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समानांतर पर्वतश्रेणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके अंतर्गत कराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणी जो है आती हैं, और K2 या जिसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टीज, कराकोरम की सर्वोच्च चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। अगला है आपका हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे अगले पॉइंट की ओर, नोट, एक छोटा सा नोट है आपके सामने जो दिखाई दे रहा है कि बृहद हिमालय जो था लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग हुआ है। पहले बृहद हिमालय और लघु हिमालय पहले एक थे, दोनों ये अलग हुए किस थ्रस्ट के कारण, उसका नाम था मेन सेंट्रल थ्रस्ट। आगे हम बात करते हैं देखिए थर्ड पॉइंट के कि हिमालय श्रेणी जिसको हम बोलते हैं लघु या मध्य हिमालय, इस श्रेणी में पीर पंजाल, धोलावर मतलब कि धोलाधर, मसूरी, नागटीपा एवं महाभारत श्रेणियां आती हैं। याद रखिए कौन सी कैटेगरी आती है इसमें, पीर पंजाल, धोलाधर, मसूरी, नागटीपा एवं महाभारत। तो एग्जाम में ना आपसे ये पूछता है कि पीर पंजाल जी श्रेणी है किस प्रकार की हिमालय की श्रेणी में आती है, तो आपको 4 ऑप्शन देगा, आपको याद रखना है हिमालय श्रेणी में और लघु या मध्य हिमालय की कैटेगरी में। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे शिवालिक अर्थात इसको बोलते हैं निम्न पर्वत या बाह्य हिमालय, तो यहाँ पर हम लोग बाह्य हिमालय से पढ़ेंगे कि यह हिमालय का क्या नवीनतम भाग है और देहरादून, हरिद्वार, सीवा, लक के निचले भाग को तराई कहते हैं। तराई किसको बोलते हैं, देहरादून और हरिद्वार का जो निचला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं तराई। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है, यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट आबू पर स्थित है, कौन सी, गुरुशिखर। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में है, यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना होता है, इसे चंबल और बेतवा नदी निकलती है, इससे कौन सी नदी निकलती है, तो ये निकलती है चंबल और बेतवा। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है, मैकाल पठार कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, और सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। केवल इतना ही आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। पश्चिमी घाट के दर्रे कौन कौन से हैं, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सिनकोट, ये सभी आपको पढ़ने हैं। और थोड़ा सा हम पढ़ते हैं एशियाई सिंह के लिए विख्यात एक्चुअली है क्या। पश्चिमी घाट से उत्तर प्रदेश में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियां मिलती है, जो किस चीज के लिए फेमस है, एशियाई सिंह के लिए, याद रखिएगा किसके लिए, एशियाई सिंह के लिए। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, जो एक किस प्रकार का पर्वत है, ये एक ब्लॉक पर्वत है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है, और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अन्नमुदी। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं, और भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, पहला भाग है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट को हम बोलते हैं कोरोमंडल तट, फिर है हमारा गोलकुंडा तट, यह है आपका कृष्ण डेल्टा से गोदावरी डेल्टा के तट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोलकुंडा तट।
फिर है आपका उत्तरी सरकार तट, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है गो कोरोमंडल तट, ठीक है, याद रखिएगा कोरोमंडल तट। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? पारादीप बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। याद रखिएगा एग्जाम में पूछ लेता है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर ऑल एग्जाम, ठीक है, याद रखिएगा आपके सभी एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, विशाखापट्टनम और तूतीकोरिन। उसके बाद हम बात करते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पे है, डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे एक सुरक्षित स्थान है। लैगून क्या होते हैं? लैगून के बारे में हमने पढ़ा होगा, तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो अब हम पढ़ लेते हैं। समुद्री क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को क्या बोलते हैं? लागुन बोलते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए यहीं पे, खुद भी पढ़िए एक बार, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है, गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान क्या कहलाता है? कोंकण, कोंकण, कोरोमंडल और मालाबार तट, ये तीनों आप लिख लीजिए, कोरोमंडल, कोंकण और मालाबार तट, इस तीनों को आपने अच्छे से याद करना है, इसकी स्थिति क्या है, ठीक है। सेकंड नंबर हम बढ़ते हैं आगे, गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तक के तटीय क्षेत्र केंद्रा तट है, तथा मंगलूर से कन्याकुमारी का तटीय क्षेत्र है मालाबार तट। मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? मंगलूर से कन्याकुमारी तक। आगे हम बात करते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? पहला है कांडला, कांडला कहाँ पे है? गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, मार्मा गोवा गोवा में, मंगलुरु कर्नाटक में, कोची और न्हावा सेवा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें, अब हम बढ़ते हैं डिग्री चैनल, जल अंतराल 8 डिग्री चैनल किस किस के मध्य स्थित है? तो यह है मालदीव एवं मिनिकाय के मध्य, 9 डिग्री लक्षद्वीप वे मिनिकाय के मध्य, 10 डिग्री छोटा अंडमान वे कार निकोबार के मध्य। फिर हम बात करते हैं पाक स्ट्रेट, तमिलनाडु वे श्रीलंका के मध्य, पाक खाड़ी तमिलनाडु वे श्रीलंका के मध्य, मन्नार की खाड़ी दक्षिणी पूर्व तमिलनाडु वे श्रीलंका के मध्य। तो 8, 9, 10 और पाक स्ट्रेट, पाक खाड़ी, मन्नार खाड़ी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। शायद आपने क्वेश्चन देखे भी होंगे, ऐसी बात नहीं कि आपने नहीं देखे होंगे, अगर आपको तैयारी करते हुए काफी टाइम हो चुका है ना, तो अगर आपने कोई भी एक मॉक टेस्ट भी दिया होगा ना, तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे, तो ये सभी आपको अच्छे से याद करने हैं। ये बुक रियल में आपकी सबसे बड़ी हेल्प करने वाली है, ये वीडियो आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा, ये वीडियो तभी हेल्प करेगा जब आपके हाथ में बुक होगी, बुक नहीं है तो इस वीडियो का आपको ज़्यादा शायद बेनिफिट ना मिल पाए। अगला जो पॉइंट है वो है केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पतन है पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? दक्षिण अंडमान में, और नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्माण भित्ति पुलिकट झील इसी द्वीप पर द्वारा समुद्र से विलग है। फिर हम बात करते हैं पब्बन द्वीप मनारा की खाड़ी में अवस्थित है, भारत में बैरन तथा नारकोंडा नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन द्वीप जो पड़ता है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय मतलब एक्टिव, जबकि नारकोंडम दो सुसुप्त मतलब इनएक्टिव ज्वालामुखी में से एक है। देखिए आज के इस वीडियो में बस केवल इतना है, देखिए आगे मैं विचार था बढ़ाने का, लेकिन आगे मैं नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाती है और वो अगला टॉपिक शायद एक ही वीडियो में कवर ना हो पाए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और इस चैनल पर आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, ढेर सारी किताबों के कम्प्लीट वीडियो, इस पर अभी वर्क चल रहा है, ये मैक्सिमम कवर हो चुकी है, ये भी पूरी कवर हो चुकी है बुक, आप SSC के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप फिनिश करिएगा इस बुक को, अगर आपको बेस स्ट्रांग करना है इसको फिनिश करिएगा, उसके बाद में आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, इस वीडियो को देख लीजिए, दोनों ही बेस्ट हैं। तो सबसे पहले आपको इस बुक पे फोकस करना है, ठीक है, और इस बुक को वीडियो पे आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे वॉच करिए, पार्ट 1, 2, 3 स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी पार्ट्स बन चुके हैं, उन पेजेस को देखना, अपनी बुक को हाईलाइट करना, ठीक है, मार्केट से हो सके तो उसको परचेज कर लीजिए, क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है पढ़ाई के लिए, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से यूट्यूब चैनल में इस वीडियो की
जो सर्च इंजन होता है, सर्च प्रायोरिटी बढ़ जाती है। जो बच्चे सर्च करते हैं उनको बड़ी आसानी से ये वीडियो मिल जाता है। पर आपका जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, उन तक इस वीडियो को शेयर प्लीज़ जरूर करिए। आप भी पढ़िए, औरों को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। बस अंत में आपसे बस केवल यही कहूँगा, एक छोटा सा पॉइंट आपको बोलना चाहूँगा कि खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी शायद नहीं मिलेगी। खुशी के लिए काम करोगे तो शायद आपको खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर किसी काम को खुश होकर करोगे, हैप्पी हैप्पी करोगे, तो आपको खुशी ज़रूर मिलेगी। दोनों बातों में क्या डिफरेंस था, शायद ये आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।